और कोई भी क्वेश्चन है तो एंड में ही पूछे। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो पढ़ते हैं कंटिन्यूअसली, लेकिन बीच में डिस्टरबेंस हो जाता है और क्वेश्चन आंसर जो पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, वो सेशन लंबा हो जाता है। इस वजह से हम टॉपिक से भटक जाते हैं। इसलिए आप प्लीज जो है क्लास में लास्ट में क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है? तो स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी मैम। ठीक है, थैंक यू। तो आज हम रत्नावली पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम रत्नावली पढ़ेंगे। तो ये इंग्लिश में बुक है, ये आप परचेज कर सकते हैं, और एक हिंदी में है। इसे हम पढ़ेंगे, मैं पीडीएफ से पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है? तो हटरत्नावली के बारे में जान लेते हैं। हटरत्नावली हटयोग की ऐसी पुस्तक है जो योग रूपी रत्नों की माला कही गई। हटरत्नावली के स्टार्टिंग में ही हम जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बोला गया है ये चीज कि श्री आदिनाथ के सामने नतमस्तक होकर विद्वान श्रीनिवास हटरत्नावली ग्रंथ लिखना शुरू करते हैं, जो ये बोलते हैं कि ये योगियों के लिए एक कड़वा हार के समान है। कड़वा हार मतलब गले को सजाने वाला जो हार होता है उसके समान है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि हठयोग की ऐसी पुस्तक है जो योग रूपी रत्नों की माला है। इसके लेखक श्रीनिवास भट्ट, याद रखेंगे, ठीक है? श्रीनिवास भट्ट जी के बारे में बताया गया है इस पुस्तक में कि ये महान ज्योतिषी सर्वर के पुत्र हैं, ठीक है? श्रीनिवास जी के बारे में बोलते हैं कि अनेक शास्त्रों के ज्ञाता हैं। वो शास्त्र कौन से, जब हम बुक पढ़ेंगे तब हम देख लेंगे, ठीक है? तो हठरत्नावली का रचना काल याद रखेंगे 1625 से 1695 एडी तक है। इसमें जो समय काल बताया गया है, जैसे बीसी होता है ऐसी एडी होता है, ठीक है? तो इसमें चार चैप्टर्स हैं, या चार, जैसे हमने हट प्रदीपिका पढ़ी होगी, कोई माइक अनम्यूट करके बताएंगे हट प्रदीपिका कब पढ़ी थी आपने? स्टार्टिंग वाले क्लास में ही पढ़ लिए थे मैम। हाँ जी, तो हट प्रदीपिका में भी 4 चैप्टर्स है, हट रत्नावली में भी 4 चैप्टर्स है। कुछ चीजें इसमें सिमिलर मिलेंगी, लेकिन हट रत्नावली में कुछ चीजें और भी बताई गई हैं एड ऑन करके। तो वो चीजें हमें याद रखनी है, कौन सी चीजें एड ऑन की गई हैं, ठीक है? तो रचना काल है हमारा 1625 से 1695 तक है, और इसमें 4 अध्याय 4 चैप्टर्स हैं। तो उन 4 चैप्टर्स में क्या क्या है वो बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि महायोग की रचना, महायोग की चर्चा है। महायोग हम फर्स्ट चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ लेंगे, हो सके तो आज मैं पढ़ा दूंगी, महायोग ही हो पाएगा आज, क्योंकि ये भी थोड़ा डीप है। तो महायोग के जी बारे में मैम, बता। हाँ मैम जी, इसको फुल स्क्रीन कर लेंगी। थोड़ा हैंग हो रहा है लैपटॉप, इसलिए मैं ये सब चीजें अवॉइड कर रही थी। होल्ड कीजिएगा 1 मिनट। ठीक है, अभी क्लियर है? हाँ जी, तो सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे महायोग के बारे में। महायोग के बारे में 4 भाग बताए गए हैं। सबसे पहले मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग, इसमें चारों को डिस्क्राइब किया गया है। इसके बाद हम षटकर्म के बारे में पढ़ेंगे, शुद्धि क्रियाएं। देखा जाए हठ प्रदीपिका में आपने 6 पढ़ी होंगी, और घेरण संहिता में भी 6 पढ़ी होंगी, जैसे ये धोती, वस्त्री, नीति, नौली, त्राटक, ये 6 क्रियाएं पढ़ी होंगी। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा है, चक्री है और गजकर्णी है, ठीक है? 8 क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे हम। और फर्स्ट चैप्टर में हम योग का स्थान कैसा होना चाहिए, योग का स्थान कैसा होना चाहिए, और मिताहार, पथ्य, अपथ्य, बाधक और साधक तत्वों के बारे में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आपको चैप्टर वाइज भी याद रखना है कौन से चैप्टर में क्या चीजें बताई गई हैं, ठीक है? सेकंड चैप्टर में हम मुद्राएं पढ़ेंगे, कुंभक के बारे में पढ़ेंगे, और 3 प्रमुख नाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? इड़ा, सुषुम्ना और पिंगला। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ठीक है? सेकंड चैप्टर में याद रखेंगे 10 मुद्राएं कौन कौन सी है। महाबंध, महामुद्रा, महाबंध, महावेद, उड्डयन, मूलबंध, जालंधर बंध, विपरीत करणी, वज्रोली, शक्ति चालिनी, खेचरी, ठीक है? ये 10 मुद्राएं पढ़ेंगे हम।
और कुंभक पढ़ेंगे हम, भस्त्रिका, भ्रामरी, सूर्यभेदी, उज्जायी, शीतली, मूर्छा, शीतकारी, केवली, भुजंगकरणी। तीन नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ये आपने कॉमन काफी ग्रंथ में पढ़ी होंगी, ठीक है। और फिर तृतीय अध्याय में हम पढ़ेंगे अष्टांग योग के बारे में। इसमें यम नियम है, नियम है 10 कायिक नियम है और 10 मानसिक। कायिक मतलब हमारे जो शारीरिक होते हैं, बॉडी से संबंधित। मानसिक जो हमें मन से फॉलो करने होते हैं, वो मानसिक नियम है। तो इनके नाम दिए गए हैं। फिर 84 आसन बताए गए हैं। मतलब हठ रत्नावली के अकॉर्डिंग बताया है कि शिव जी ने, आदिनाथ ने 84 आसन बताए गए हैं, जिसमें से 10 को मुख्य बताया गया है। यहाँ देख सकते हैं आप स्लाइड में पिंक वाले एरिया में, कि 84 में से 10 आसनों को मेन बताया गया है। और फिर 10 में से भी 4 आसन महत्वपूर्ण बताए हैं। कौन कौन से? सिद्ध, पद्म, सिंह, भद्र। ये हमारा हठपद दीपिका में भी सेम बोलते हैं कि सिद्ध, पद्म, सिंह, भद्र 4 आसन मुख्य होते हैं। और गिरण संहिता में भी सेम चीज बोली गई है, ठीक है। तो इसमें एक यूनिक चीज हम देखते हैं कि पद्मासन के 4 प्रकार बताए गए हैं, मयूरासन के 6 प्रकार बताए गए हैं, और कुक्कुटासन के 5 प्रकार बताए गए हैं। ये चीज एड ऑन की हुई है केवल हठ रत्नावली में। तो कौन कौन से हैं? पद्मासन के 4 प्रकार हैं, मयूरासन के 6 और कुक्कुटासन के 5 प्रकार हैं। तो इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पूरा टेक्स्ट पढ़ेंगे। केवल आज मैं मतलब अभी मैं ओवरव्यू दे रही हूँ, तो याद रखेंगे आप, ठीक है। फिर इसमें सिद्धासन को सर्वश्रेष्ठ, कौन सा आसन श्रेष्ठ बताया है? सिद्धासन को। सेम चीज हमारे हठ प्रदीपिका में भी है, गिरण संहिता में भी है। तो हमारा फोर्थ चैप्टर चतुर्थ अध्याय में क्या बताया गया है? समाधि के बारे में बताया गया है, नाद के बारे में बताया गया है, और 14 मुख्य नाड़ियां बताई गई हैं, ठीक है। और आपका इसमें तीन नाड़ियां प्रमुख बताई गई हैं। तो नाड़ियों की चर्चा हमारे चौथे चैप्टर में भी है और सेकंड चैप्टर में भी। कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो हमारे चारों चैप्टर हैं, ओवरव्यू है किसमें हमें क्या पढ़ना है। चारों चैप्टर आप याद रखिएगा कौन सी चीज किसमें बताई गई है, ठीक है। तो ये 8 कर्म है, ये 6 कर्म जो हमारे कॉमन है, नेति, धोती, नौली, कपालभाति। कपालभाति को इसमें याद रखेंगे, मस्तक भ्रांति बोला गया है। क्या बोला गया है? मस्तक भ्रांति। बस्ती, त्राटक, और दो एक्स्ट्रा हैं जो मैंने अलग से, मतलब ये अलग से दी गई हैं, चक्री और गजकर्णी। गजकर्णी जो हम कुंजल कॉमन बोलते हैं, कुंजल, वो हमारा वारिसा धोती में, घेरण संहिता में आता है, लेकिन इसमें अलग से बोला गया है गजकर्णी। और एक चक्री है, ठीक है। तो ये अभी हम पढ़ेंगे जब आगे। तो हिंदी वालों के लिए मैंने बुक बता दी, ये वाली पढ़ सकते हैं आप। तो ये हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए भी PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी आपको, ठीक है। तो इंग्लिश वाले भी इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो हम हिंदी से कंटिन्यू करते हैं। हिंदी में पढ़ा, हिंदी वाली बुक से पढ़ाऊंगी मैं, समझ आ जाएगी आपको, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर जो इससे पहले बताया गया है, ये चीजें जो मैंने PPT में दिखाई, ये सारी चीजें इधर बताई गई हैं। तो हम सीधा फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं कि जो हमारे श्रीनिवास जी हैं, वो आदिनाथ को मतलब उनकी आराधना करते हैं, नतमस्तक होते हैं, फिर इस ग्रंथ को लिखना स्टार्ट करते हैं। और बोलते हैं कि ये जो हमारा ग्रंथ है, वो योगियों के लिए, योगी जनों के लिए एक कड़वा हार के समान है। कड़वा हार मतलब गले के हार के समान, ठीक है। तो सेकंड श्लोक में इनके बारे में बताया गया है, श्रीनिवास जी के बारे में, जिन्होंने अपने PPT में बताया था कि ये ज्योतिषी, महान ज्योतिषी सर्वर के पुत्र हैं, ठीक है, सर्वर के पुत्र हैं। फिर क्या बोलते हैं, किस किस चीज का ज्ञान है श्रीनिवास जी को? वेदों का, उपनिषदों का, पतंजलि कृत ग्रंथों का, व्याकरण का, प्रभाकरीय, न्याय रत्न का, सारस्वतीय, सांख्य, वैशेषिक, तत्व, चिंतामणि आदि ग्रंथों की ज्ञाता है, ठीक है। अब आ जाता है आपका, आगे देखते हैं क्या है। जिस हठ विद्या को मत्स्येंद्रनाथ और गोरक्षनाथ ने जाना, उसी विद्या को स्वात्माराम और स्वयं श्रीनिवास जी ने जाना है। तो स्वात्माराम हमारे हठ प्रदीपिका वाले राइटर हो जाएंगे, श्रीनिवास जी हमारे हठ रत्नावली के हो जाएंगे, ठीक है। ये इनके पूर्वज हैं, मत्स्येंद्रनाथ और गोरक्षनाथ, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कि इसका हठियों को उपदेश दिया क्यों है। तो भ्रांतियों के शिकार हो गए हैं जो भी मनुष्य हैं, मतलब गलत चीजों में पड़ गए हैं, भ्रांतियों में, गलत धारणाओं में पड़ गए हैं, उनके लिए दिया गया है।
राजयोग के मार्ग से जो अनभिज्ञ हैं उनके लिए, ठीक है, और जिससे कि उनको राजयोग की प्राप्ति हो जाए, इसलिए हठ योग का आदेश दिया, उपदेश दे रहे हैं श्रीनिवास जी। किस चीज के लिए? जो भ्रांतियों के शिकार हो गए हैं, राजयोग के मार्ग से भटक गए हैं, अनभिज्ञ मतलब भटक गए हैं अपने मार्ग से, फिर क्या बोला गया, राजयोग की प्राप्ति के लिए इस प्रकार हठ योग का उपदेश दिया जा रहा है। क्लियर है? भ्रांति है ना, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए ना, किस टाइप की भ्रांति है। हाँ, भ्रांतियां होती हैं, जैसे कि योग जो है हमारा केवल उसके लिए, संन्यास के लिए है, या फिर हमारे योगा जो है आज के टाइम पे क्या देखा जाए, थेरेपी के लिए है, तो ये सब चीजें भ्रांतियों में आता है, ठीक है। गलत अवधारणाएं जो बना लेते हैं वो भ्रांतियों में आता है, ठीक है। ओके ओके, हाँ जी, ठीक है, तो समझ आएगा। राजयोग के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, क्या है राजयोग, ठीक है। अब योग के बारे में, योग क्या है, इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए इस योग विज्ञान को लिखा गया। एक और लाभ मिल गया, क्यों लिखा गया इस ग्रंथ को, कि जिज्ञासा को शांत करने के लिए। जिज्ञासा क्या, जिसके हम कब कुछ भी देखते हैं फर्स्ट टाइम, तो हमें अरे अंदर कुछ जिज्ञासा उठती है कि हम इसे जाने, तो योग क्या है, इसी चीज को जानने के लिए, जिज्ञासा को शांत करने के लिए हमारा हठ रत्नावली ग्रंथ दिया गया है, ठीक है। योग विज्ञान को जानने के लिए ही योग विषयों का वर्णन किया गया है, तो कुछ विद्वानों का मत है। अब योग क्या है उसके बारे में बता रहे हैं, हठ रत्नावली के अकॉर्डिंग योग क्या है उसके बारे में बताया जा रहा है, कि कुछ विद्वानों का मत है कि यह योग विद्या अपान एवं प्राण, जीवात्मा एवं परमात्मा के लिए है। मतलब अपान और प्राण का मिलन होना, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होना, यह योग कहलाता है, कुछ लोगों ने ये बोला है। और कुछ लोगों का मतलब है कि योग विद्या केवल योग के लिए है, मतलब प्रैक्टिकली चीजों के लिए केवल योग विद्या दी गई है। तो तीन चीजें दी गई है इसमें योग के बारे में, हठ रत्नावली में। पहला क्या है, अपान और प्राण की एकता, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन, और केवल योग के लिए, ठीक है। तो अपान और प्राण के बारे में कोई बताएगा कुछ, अपान क्या होता है, प्राण क्या होता है? गुदा हमारे होता, पंच प्राण प्राण होता है होते हैं, रूप। उनमें दो मुख्य वायु होती है मैम, प्राण हाँ जी, और अपान, अपान किस एरिया में पाई जाती है? मूलाधार गुदा में और प्राण चक्र में, गुदा में, हाँ नाभि जी, से और नीचे, क्या प्राण, हाँ जी, नाभि से नीचे, नाभि चक्र हृदय, हृदय। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड। तो अपान और प्राण के मिलन को ही हमारा हठ रत्नावली में योग के बारे में बोला है। जीवात्मा और परमात्मा, जीवात्मा जो हमारा जो शरीर है उसके अंदर एक आत्मा होती है, उसे जीवात्मा बोला गया है। परमात्मा सभी समझते हैं, एक डिवाइन सोल, ठीक है। तो तीन कारण बता दिए हैं। इसके बाद है चित्त वृत्तियों को नियंत्रण करने के लिए। अब यहाँ पे, यहाँ से आ जाता है आपका महायोग। अभी अभी हमने क्या क्या देखा बताएंगे कोई, किस किस बारे में हमने डिस्कस किया है? जो हठ मतलब योग के बारे में देखा, जैसे हठ योग में जो भ्रांतियां हैं उनके बारे में देखा, प्राण की और जो हठ योग की जो परिभाषाएं हैं, और किन्होंने क्या बोला है ये भी देखा है, कि हठ योग के बारे में क्या बताया है, जैसे श्रीनिवास जी ने और सातवरा। ठीक है, तो मैं फिर भी एक बार फिर से ये ओवरव्यू दे देती हूँ। वेरी गुड, मैम जैसे इनके आदिनाथ को नमस्कार करके इनको ग्रंथ प्रारंभ किया है, और वो सरवर के पुत्र है जो महान ज्योतिषी थे, और उन्होंने क्या क्या पढ़ा वो उन्होंने बोला, और गोरक्षनाथ और मत्स्येंद्रनाथ की कृपा से और स्वात्मारा इनकी कृपा से उन्होंने आत्मसात किया है, ऐसा बोला था। हाँ जी, इसमें बताया मत्स्येंद्रनाथ और गोरक्षनाथ ने जिस प्रकार इसी हठ विद्या को जाना था, उसी प्रकार स्वात्माराम और श्रीनिवास जी ने जाना है। वेरी गुड, तो इसमें क्या बोला गया है, सबसे मैंने शुरुआत की थी, इन्होंने नमस्कार किया, फिर इसमें श्रीनिवास जी का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। फिर क्यों हम इस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं उसके बारे में बताया है, ठीक है। भ्रांतियों का शिकार हो गए हैं या फिर राजयोग के बारे में नहीं जानते, ठीक है, उनकी प्राप्ति के लिए हठ योग बताया गया है, जिज्ञासा को शांत करने के लिए हठ योग बताया गया है। अब योग क्या होता है, ठीक है, तो उसके बारे में, योग विद्या के बारे में बताया, तीन चीजें, अपान और प्राण की एकता होना योग कहलाता है, जीवात्मा और परमात्मा के लिए योग बताया गया है, उनकी एक हो जाते हैं, संयोग हो जाए, ठीक है, एक हो जाए, यह योग कहलाता है। और कुछ लोग जो मानते हैं वो मानते हैं कि योग विद्या केवल योग के लिए है।
ठीक है। अब हम महायोग देख लेते हैं, महायोग क्या होता है। ठीक है, तो महायोग क्या बोला गया, चित्त वृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए। अब क्वेश्चन बन सकता है कि महायोग इसमें हठ रत्नावली ये कि कौन से ग्रंथ में बताया गया है चित्त वृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए महायोग कहा है, तो आप तुरंत क्या लगाएंगे, हठ रत्नावली। ठीक है, तो महायोग के बारे में क्या बोला गया है हठ रत्नावली में, चित्त वृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए। अब इसके चार भाग बताए गए हैं, पहला है मंत्र योग, दूसरा है लय योग, तीसरा है राजयोग और चौथा है हठ योग। ठीक है, चार प्रकार का महायोग बताया गया है, मंत्र, लय, राज, हठ। ठीक है, और इन चारों का क्या लाभ बताया है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए, तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमारा महायोग बताया गया है। ठीक है, याद रखेंगे महायोग किस चीज के लिए, चित्त वृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए और प्राणियों के लिए मोक्ष प्राप्ति के लिए, ये हमारा महायोग बताया गया है। तो चार चीजें कौन कौन सी हैं बताएंगे, मंत्र लय मंत्र, हट के बाद मंत्र, लय, राज, हठ। हठ बाद में, याद रखेंगे सीक्वेंस क्या है, मंत्र, लय, राज, हठ। ठीक है, तो मंत्र योग के बारे में देखते हैं, विभिन्न अंगों के लिए मंत्र निर्धारित हैं, विद्वान पुरुष मंत्रों का उच्चारण करते हैं, इस प्रकार किसी के द्वारा भी सिद्धियों की प्राप्ति की जा सकती है। तो हमारे अलग अलग अंगों के लिए अलग अलग मंत्र निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, मंत्र निर्धारित करके हम उच्चारण करें। अब इसमें मंत्र के बारे में नहीं बताया गया है, मंत्र योग में केवल इतना बताया गया है कि हमारे अलग अलग विभिन्न अंगों के लिए एक मंत्र निर्धारित करके मंत्रों का उच्चारण करें, यह है मंत्र योग कहलाता है। ठीक है, इसका लाभ क्या बताते हैं, इस प्रकार किसी के द्वारा भी सिद्धियों की प्राप्ति की जा सकती है। इसका लाभ क्या हो गया, सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ठीक है, मंत्र योग से, तो मंत्र योग क्या है कि हमारे विभिन्न अंगों के लिए मंत्र निर्धारित करके उनका मंत्रोच्चारण करें, मंत्रों का उच्चारण करें, यही मंत्र योग है। इससे क्या मिलता है, सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इतना केवल हमारा मंत्र योग बताया गया है। अब है लय योग, लय योग में क्या है, जब चित्त पूर्ण रूप से तल्लीन हो जाता है तो संकेत द्वारा लय योग की प्राप्ति होती है। आदिनाथ शिव ने लय की 1 करोड़ से अधिक विधियों का उल्लेख किया है, तो इसमें याद रखेंगे अगर इसमें आ जाए कि कितने हैं तो 1.25 करोड़ बोलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 करोड़ से अधिक विधियों का उल्लेख है श्लोक में, लेकिन आगे जाके इन्होंने 1.25 करोड़ विधियों का बता दिया है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमने तो 1 करोड़ से अधिक पढ़ा था, और एग्जाम में 4 ऑप्शन में से आ जाए तो आप 1.25 करोड़ ही लगा के आइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है लय योग के बारे में कि 1 करोड़ से ज्यादा विधियां हैं और संकेत द्वारा लय योग की प्राप्ति होती है, चित्त जब पूर्ण रूप से तल्लीन हो जाता है। अब ये देखिए कैसे करना है, तो लय योग साधना में योगी अपने सिर को पीछे की ओर ले जाए, कैसे, ऐसे करके, फिर भ्रकुटी के मध्य में देखे। ठीक है, भ्रकुटी मतलब भौहों, ये जो आईब्रोज है, आईब्रो सेंटर है, उसके बीच में हमें दृष्टि को एकाग्र करना है, एवं मृत्युंजय पर ध्यान केंद्रित करें, यही संकेत विधि है। ऊपर क्या बोला गया था, संकेत द्वारा, तो संकेत क्या है, हमारा एक विधि के बारे में बताया गया है। ठीक है, जब चित्त पूर्ण रूप से तल्लीन हो जाए मतलब शांत हो जाए तो संकेत द्वारा लय योग की प्राप्ति होती है। अब संकेत कौन सा है, ये है संकेत विधि। क्लियर है, तो लय योग साधना में 3 चीजें याद रखनी है, सिर को पीछे की ओर लेके जाओ, भ्रकुटी के मध्य दृष्टि लगाओ, मृत्युंजय पर ध्यान करो, यह हमारे संकेत है। इसी से मृत्यु पर विजय, लाभ क्या हो जाएगा हमारा, मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। क्लियर है आपको, लय योग की विधि में संकेत विधि क्या है, सिर को पीछे कैसे लेके जाएंगे? नहीं ऐसे मॉडल, लेके जाइए, ऐसे सिर को ले जाइए और यहाँ पे भ्रकुटी के मध्य में ध्यान लगाइए और मृत्युंजय का जाप कीजिए। ओके मैम। ठीक है, मृत्युंजय ओके ओके महामृत्युंजय मंत्र का नाम, हाँ जी मंत्र का जाप, हाँ जी, मृत्युंजय महामृत्युंजय का ही जाप करना है। ठीक है, मैम। 3 स्टेप याद हो गए आप सभी को, सिर को पीछे ले जाए, भ्रकुटी के मध्य में दृष्टि को एकाग्र कीजिए और मृत्युंजय पर ध्यान करें, जाप नहीं करना है, ध्यान करना है केवल। ठीक है,
यही संकेत विधि है और इससे मृत्यु पर विजय प्राप्त होगी। अब इसके बाद देखिए इसके लय योग के बारे में बताया गया है कि श्री आदिनाथ ने लय की 25 करोड़ बताई गई हैं विधियां, और उसमें भी सबसे प्रभावशाली श्रेष्ठ के रूप में बता रहे हैं नादान अनुसंधान। ठीक है, तो हमने लय के बारे में क्या क्या देखा, ठीक है, लय को बारे में देखा, चित्त तल्लीन हो जाए, ठीक है, मतलब चित्त शांत हो जाए तो हमें संकेत के द्वारा लय योग की प्राप्ति करनी है। अब संकेत का क्या होता है, एक विधि बताई गई है, संकेत विधि, ठीक है। संकेत विधि में क्या बताया गया है आपका, बद्ध केंद्र दृष्टि सिर को पीछे संकेत लेके जाइए, दृष्टि सिर अपनी में और मृत्युंजय मंत्र का ध्यान करना है, जप करना है, ध्यान करना है, जप नहीं करना। ध्यान करना है, ठीक है। तो संकेत विधि में क्या है, सिर को पीछे लेके जाइए, भ्रकुटे के मध्य में, भूमध्य दृष्टि, ठीक है, उसमें एकाग्र कीजिए और मृत्युंजय का ध्यान कीजिए। इससे क्या लाभ है, क्या लाभ बताया है, मृत्यु पर विजय, मृत्यु पर विजय, विजय, मृत्यु पर विजय, वेरी गुड। हमारे मंत्र योग में क्या बताया था, योग सिद्धि मिल जाती, योग की प्राप्ति, सिद्धियों की हाँ, प्राप्ति, सिद्धियों की प्राप्ति होती है, उसमें क्या करना सिद्धियों होता की है मंत्र योग प्राप्ति, में, विभिन्न मंत्रों अंगों का के निमंत्रण, उच्चारण, अंगों विभिन्न अंगों के लिए के मंत्र लिए बताए गए मंत्र हैं, उनका निर्धारित उच्चारण करें। करना है, ठीक है। तो हमारा मंत्र योग हो गया, लय योग हो गया, अब देखते हैं राजयोग के बारे में। 1 करोड़ लय योग में 1 करोड़ बताए ना विधि, और 1.25 करोड़, 1 करोड़ से अधिक बताई गई हैं एक श्लोक में, आगे हमें क्लियर कर दिया गया है कि 25 करोड़ विधियों के वर्णन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 25 करोड़ विधियों का वर्णन किया है और इसमें नादानुसंधान श्रेष्ठ बताया गया है। अभी क्लियर है, ठीक यस मैम, है। अब लय योग के बारे में एक और श्लोक के दिया गया है कि लय योग की प्राप्ति होने पर इसके लक्षण क्या क्या हैं। अब इससे लक्षण बताए गए हैं, तो लय योग की प्राप्ति हो जाने पर इंद्रियों के लिए कोई विषय शेष नहीं रह जाता, अर्थात इंद्रियां विषयों से विमुख हो जाते हैं, विमुख मतलब लौट जाना। अब जैसे हमारा हमारा क्या होता है, कभी कभी लौटती है हमारी, केवल जैसे हम मोबाइल देखते हैं, देखते 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 बोर हो गए, बोर हो गए तो हमारी जो इंद्रियां वो उससे वापिस लौट गई, लेकिन इसमें क्या होता है लय योग से कि इंद्रियां जो है विषयों से हमेशा के लिए विमुख हो जाते हैं, हमेशा के लिए ही लौट जाती हैं, ठीक है। तो इंद्रियों के संसार में वापसी नहीं होती, पूर्व अनुभव को भूल जाना भी लय का लक्षण है। सबसे पहला क्या बता दिया, लक्षणों में इंद्रियों के लिए विषय कोई विषय शेष नहीं रह जाता, मतलब इंद्रिय किसी विषय की तरफ भागते ही नहीं है, वो सभी चीजों से तृप्त हो जाती है, अर्थात इंद्रिय विषयों से विमुख हो जाती है, वापिस लौट जाती है, ठीक है। और संसार में कोई वापसी नहीं होती, इंद्रियों की संसार में वापसी नहीं होती, अर्थात पुनर्जन्म नहीं होता, इससे हम एक सेंस बना सकते हैं कि संसार में वापसी नहीं होती। फिर पूर्व अनुभवों को भी भूल जाता, यह लय का लक्षण है। अगर हम देखा जाए तो ये साफ साफ बोल रहा है घुमा फिरा के कि पुनर्जन्म नहीं होता, दोबारा से हमारा जन्म नहीं होता, लेकिन हमें इसी के लैंग्वेज में याद रखना है, पहला क्या है कि कोई विषय शेष नहीं रह जाता, विषयों से विमुख हो जाती है और संसार में वापसी नहीं होती, 3 लक्षण हमारे इंद्रियों के हो गए। फिर एक और बताया है कि हमारे जो पूर्व अनुभव है, जितने भी अनुभव है, जितनी भी चीजें हैं, पास्ट है हमारा, उसे भूल जाते हैं हम, यह हमारे लय का लक्षण है। समझ आया सभी को, जी बताएंगे मैम। क्या क्या लक्षण बताए गए हैं, 4। मैम, इंद्रियों का कोई कार्य शेष नहीं रहता, और कार्यों से मतलब संसार के जो कार्य हैं उनसे वापसी हो जाती है, और पूर्व के जो अनुभव अभी भूल जाते हैं, ठीक है, इंद्रियों से विमुख हो जाती है इंद्रिया। ठीक है, तो इंद्रियों के बारे में याद हुआ सभी को। अब है हमारा राजयोग, राजयोग के बारे में पढ़ लेते हैं कि राजयोग के बारे में क्या है, अब आंखों के लिए कोई लक्ष्य नहीं रह गया। इसमें राजयोग के बारे में सीधा इसके लाभ बताए गए हैं, ठीक है, क्या बताया गया है, राजयोग से क्या होता है, आंखों के लिए कोई लक्ष्य नहीं रह जाता, इंद्रिया अपने अपने विषयों से विमुख हो जाती है, मतलब इंद्रिया विषयों की तरफ नहीं भागती, उनसे उल्टी हो जाती हैं, विमुख हो जाती हैं, ठीक है। वायु रोध नहीं रहता, चित्त देश काल से बंधा नहीं रहता,
धारणा और ध्यान के अभ्यास के लिए हमें प्रयत्न की परिश्रम की आवश्यकता नहीं रहती। अर्थात ये सब किसकी अवस्था है? समाधि की। समाधि का अर्थ क्या होता है? राजयोग। तो हमारा राजयोग से क्या बता दिया? आंखों के लिए कोई लक्ष्य नहीं रह गया, ठीक है। इंद्रिया अपने विषयों से विमुख हो गई है, वायु रोध हो गया है, चित्त देश काल से बंधा है। अब इसे हम कैसे याद रख सकते हैं? आंखों के लिए कोई लक्ष्य नहीं है, इंद्रियों में हम क्या कर लेंगे? बाकी की जो आंख भी एक इंद्रिय है। वायु रोध हम नाक से ले लेंगे, ठीक है। चित्त नाक से नीचे हमारा हृदय आता है, हृदय मतलब चित्त समझ लीजिए, चित्त देश काल से बंधा है। और फिर लास्ट बच जाता है धारणा ध्यान के अभ्यास के लिए कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा राजयोग के बारे में बोला गया है कि जब हमें राजयोग की प्राप्ति हो जाती है तो हमें आंखों के लिए कोई भी लक्ष्य नहीं रहता, हम किसी चीज को नहीं देखना चाहते, हम केवल समाधि में पहुंच गए हैं। समाधि की अवस्था है ये है कि हम समाधि में पहुंच गए हैं, ना हमारे लिए आंखों के लिए कोई लक्ष्य है, ना हमारा कोई वायु रोध है, ना हमारे इंद्रियों से कोई इंद्रिया जो है वो विषयों की तरफ नहीं भाग रही है, ना ही हमारा जो चित्त है किसी एरिया से बंधा है। अब क्या है? हम बंधे हुए हैं जेआरएफ से, हमारा चित्त अभी जेआरएफ जेआरएफ पुकार रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या है? चित्त बंधा हुआ है जेआरएफ से। लेकिन जब समाधि की अवस्था हो जाती है, ना तो कोई देश अच्छा लगता है, ना कोई समय अच्छा लगता है, क्योंकि हम समाधि की अवस्था में हैं, ठीक है। और धारणा और ध्यान के अभ्यास के लिए जब हमें समाधि की प्राप्ति हो गई है तो हम धारणा ध्यान के पीछे क्यों भागेंगे, क्यों उसके लिए परिश्रम करेंगे, क्योंकि हमें तो समाधि मिल चुकी है। तो यही हमारा राजयोग कहलाता है, ठीक है। अब चित्त की जो अवस्था है वह ना ही जागृत है, ना ही सुसुप्त है, ना ही मृत है और ना ही जीवित है। राजयोग के कारण चित्त स्थिर हो जाता है और अहंकार की भावना नष्ट हो जाती है। तो राजयोग में क्या बोला गया है कि हमारे जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरिया ये सारी अवस्थाएं हैं, ये सारी नहीं रहती, चार अवस्थाएं हैं। लेकिन इसमें चार कौन कौन सी अवस्थाएं बताई हैं? जागृत, सुसुप्त, मृत और जीवित। ना तो जागृति रहती है, ना सुसुप्ति रहती है, ना इंसान मरा हुआ है, ना इंसान जीवित है, मतलब जी रहा है, ठीक है। ये चार अवस्थाएं बताई गई हैं। फिर इसके कारण, राज्यों के कारण क्या बताया गया है कि चित्त जो है हमारा स्थिर हो जाता है। चित्त हमने कई जगहों पे पढ़ा है मन से लिया गया है, ठीक है। तो मन जो हमारा स्थिर हो जाता है, अहंकार जो होता है वो भी नहीं रहता। आज के टाइम पे अगर कोई छोटी सी भी चीज अचीव कर लेता है तो उसके अंदर अहंकार की भावना आ जाती है, ठीक है। लेकिन राजयोग में क्या बताया गया है कि हमारी अहंकार की भावना भी नष्ट हो जाती है। क्लियर है? मैं आपको 45 तक ले लेती हूँ ये सेशन, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास भी है तो आपको ओवर ना हो, इसलिए केवल हम महायोग कर लेते हैं आज। तो राजयोग के बिना राजयोग उद्देश्य के बिना आसन प्राणायाम और मुद्रा का भी कोई प्रभाव नहीं रह जाता, ये निरर्थक है। अगर आप राजयोग की प्राप्ति नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए आसन प्राणायाम मुद्राएं कितनी भी कर लो, तीन चीजें बताई गई हैं, आसन प्राणायाम मुद्रा। प्राणायाम मतलब कुंभक, ठीक है। तो ये भी राजयोग के उद्देश्य के बिना ये तीनों हमारे विफल हो जाते हैं, निरर्थक हैं, बेकार हैं, ठीक है। हठ योग के अंग, हठ अभ्यास के अंग आसन प्राणायाम और दिव्य मुद्राएं राजयोग की प्राप्ति कराते हैं। अगर हम आसन प्राणायाम और मुद्राएं करेंगे, दिव्य मुद्राएं करेंगे, तो ये इनका क्या कारण है? राजयोग की प्राप्ति होती है हमें। तो राजयोग के बारे में बता दिया कि आंखों के लिए कोई लक्ष्य नहीं रह गया, इंद्रिय अपने विषयों से विमुख हो गई, ना कोई वायु रोध है, ना ही चित्त देश काल से बंधा है, धारणा और ध्यान के अभ्यास के लिए कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें समाधि मिल गई है। यही समाधि है जो कि राजयोग के समान है। इसमें चार अवस्थाएं, ना जागृत, ना स्वप्न, ना मृत, ना जीवित, कोई अवस्था नहीं रह जाती। चित्त स्थिर हो जाता है, अहंकार की भावना नष्ट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद क्या बताया है कि राजयोग का उद्देश्य के बिना, अगर आप राजयोग का उद्देश्य लेकर नहीं चल रहे हो तो आसन प्राणायाम मुद्रा आपकी प्रभावित नहीं रहती है, निरर्थक कहलाती है, ठीक है। हठ अभ्यास के अंग आसन प्राणायाम और दिव्य मुद्राएं। तो आपका क्वेश्चन बन सकता है, राजयोग की हठ रत्नावली के अकॉर्डिंग राजयोग की प्राप्ति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? तो चार ऑप्शन दे देंगे वो, आसन प्राणायाम मुद्रा बंध। अब इसमें बंध तो दिया नहीं गया है,
तो आप मुद्रा बंद को हटा के बाकी तीन जिसमें होंगे ऑप्शन वो लगा देंगे। इस तरह से आपका घुमा के आज के टाइम पे क्वेश्चन बनता है। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे देंगे, आपको उस टॉपिक के अंदर घुसना पड़ेगा। घुसेंगे कैसे, जब आपको पक्की पक्की चीजें याद रहेंगी, जैसे कि राजयोग की प्राप्ति के लिए हमें आसन प्राणायाम और मुद्रा ही बताई गई है, तो आपको यही याद रखनी है राजयोग की प्राप्ति के लिए। आगे एक्स्ट्रा आपको बंध हो, समाधि हो, धारणा हो, ध्यान हो, ये चीजें याद नहीं रखनी है। कि क्या चीजें हैं, आसन प्राणायाम और दिव्य मुद्राएं, ठीक है, इससे राजयोग की प्राप्ति होती है। अब लास्ट बचा है हमारा हठ योग, ठीक है। तो हठ अभ्यास के अंग हैं 10 मुद्राएं, 8 कुंभक, 8 शुद्धि क्रियाएं, 84 आसन। इसी तरह आपको हठ योग का भी याद करना है। क्या क्या बताया गया है, 10 तो मुद्राएं बताई गई हैं, 8 कुंभक बताए गए हैं, 8 शुद्धि क्रियाएं बताई गई हैं और 84 आसन बताए गए हैं, ठीक है। तो आगे क्या बोलते मैम हैं, थोड़ा स्लो बोलोगे? हाँ, तो इसमें हठ योग के बारे में बताया है केवल कि 10 मुद्राएं, 8 कुंभक, 8 शुद्धि क्रियाएं, 84 आसन, ठीक है। राजयोग के बारे में बताएंगे, क्या बताया मैंने, ठीक है मैम, जी विजय, आसन प्राणायाम बंद राजयोग की प्राप्ति के लिए प्राणायाम जरूरी और दिव्य मुद्रा, है। ठीक है। और राजयोग के बारे में और क्या बताया गया है, राजयोग उद्देश्य के बिना आसन प्राणायाम मुद्रा कोई भी प्रभाव नहीं कर, निरर्थक है। ठीक है। और क्या बताया इससे पहले, आंखों के लिए कोई विषय नहीं रह वस्तुएं जाता, चित्त की चार अवस्थाएं नहीं रहती, अपने सामरस, सुषुप्त और से मुक्ति। इंसान टाइप करेंगे, कोई एक माइक अनम्यूट करके बताएं, बाकी लोग टाइप करके बताएं। चित्त की अवस्थाएं नहीं राजयोग रहती, ना जागृत ना समाधि भी है। चलिए रश्मि जी जैसे बताइए आप, रश्मि, अरे हाँ मैम, इसमें चित्त की अवस्थाएं नहीं रह जाती, जैसे ना जागृत अवस्था रहती है, ना सुसुप्त रहती है, ना मृत रहती है और ना जीवित अवस्था रहती है। राजयोग के कारण चित्त स्थिर हो जाता है और अहंकार नष्ट हो जाता है। हाँ जी, इससे पहले श्लोक में क्या बताया गया है, अभी बी से कोई नाम था, मैं भूल गई, आसन दिया जी। हाँ आंखों के लिए कोई लक्ष्य नहीं जी, रहता। हाँ, आंखों के लिए कोई लक्ष्य नहीं रहता। इंद्रिया अपने विषयों से विमुख हो जाती है। वायु रोध और न चित्त को देश और काल से बंधा नहीं रहता है चित्त। हाँ और जी, धारणा ध्यान अभ्यास के लिए कोई अलग से परिश्रम करना नहीं पड़ेगा। यही समाधि है जो राजयोग जिसे बोला गया है। वेरी गुड। मैसेज में भी बाकी लोगों ने बता दिया, रचना जी, काजल जी, ठीक है, शालिनी यादव जी, चित्त स्थिर हो जाता है, जागृत, स्वप्न, मृत, जीवित, ये चार अवस्थाएं नहीं रहती हैं। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। तो हठ योग के बारे में बताइए, हठ योग में क्या क्या करने के लिए बताया गया है, मैसेज करेंगे सभी, कोई एक माइक अनम्यूट करके बताएंगे। हठ योग में क्या क्या करना चाहिए, हठ योग में मैम आसन प्राणायाम और मुद्राएं करना चाहिए राजयोग की प्राप्ति के लिए, शुद्धि क्रियाएं और भूल गए आप, मैम इसके बाद आठ वो शुद्धि क्रिया। हठ योग के अंग में है ना, उसमें है कि 10 मुद्राएं, 8 कुंभक, 8 शुद्धि क्रिया और 84 आसन। वेरी गुड, चार चीजें बताई गई हैं। चलिए, बहुत अच्छा, पूजा जी, सात्विक, कनिष्क जी, काजल जी, शालिनी यादव, अनीता पेड़नेकर, वेरी गुड, सबने अच्छा बताया है, ठीक है, एक साथ बताइए आंसर तो अच्छा लगता है। चलिए, तो हठ योग में बता दिया कि अंग कौन कौन से हैं, 10 मुद्राएं हैं, 8 कुंभक हैं, 8 शुद्धि क्रिया और 84 आसन, ठीक है। अब क्या बोला गया, हठ योग के बिना राजयोग नहीं हो सकता, और आवाज आ रही है मेरी सभी को, 1 मिनट होल्ड हाँ मैम, कीजिएगा, 1 मिनट आ होल्ड। रही है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं अभी आती हूँ।
अभी आवाज क्लियर है? मैम जी मैम क्लियर। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि हठयोग के बिना राजयोग संपन्न नहीं हो सकता और राजयोग के बिना हठयोग संपन्न नहीं हो सकता, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, हठयोग एवं राजयोग एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये चीजें आपने हठ प्रदीपिका में भी बिल्कुल पढ़ी होंगी, ये वाली चीज। तो आगे मतांतर तू मतलब मतों के अनुसार इन्होंने बताया है कि मंत्र योग, राजयोग और दीप से बताया है। ये चीजें हम कल पढ़ेंगे, आज हैवी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, हाँ पढ़ा दो मैम, पढ़ा जी दो मैम। पढ़ा दूं? हेलो, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ मैम पढ़ा दो। 10 मिनट और पढ़ा दूं मैम। हाँ बड़ा, वो क्वेश्चन आंसर का सेशन भी तो है। क्वेश्चन आंसर नहीं है आपको, कोई डाउट नहीं है? वो लास्ट 10 मिनट में ले लेना मैम। अरे आपकी नेक्स्ट क्लास भी तो है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए मैं करा देती हूँ। तो इसमें क्या बताया गया है, म शब्द का अर्थ होता है मन और त्र शब्द का अर्थ होता है प्राण। मंत्र को हमारा संधि विच्छेद किया गया है यहाँ पे। मंत्र होता है ना, मंत्र होता है ना, उसमें म को बोला गया है मन, मन से लिया गया है। त्र शब्द को बोला गया है प्राण, तो मनस और प्राण का मिलना मंत्रयोग कहलाता है। मन का और प्राण का मिलना हमारा यहाँ पे मंत्रयोग बताया गया है। ठीक है, मन और प्राण का मिलना ये हमारा मंत्रयोग कहलाता है। क्या क्या बता दिया, म का अर्थ होता है मन, मन प्र का अर्थ होता है प्राण, तो मन और प्राण का मिलना हमारा मंत्रयोग कहलाता है। इसके बाद क्या बताया है कि अपान की गति को नियंत्रित करने से प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश होता है। जब यह प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुंचता है तो राजयोग की प्राप्ति होती है। तो राजयोग के बारे में क्या बताया कि अपान की गति को हम नियंत्रित कर ले, जो हमारा नाभि से नीचे प्राण है, अपान है, उसको अगर उसकी गति को हम अगर नियंत्रित कर लेते हैं तो प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश हो जाता है। अगर हम अपान की गति को रोक दें तो प्राण क्या होगा, सुषुम्ना में प्रवेश हो जाएगा और इससे क्या होगा, प्राण ब्रह्म रंध्र तक पहुंच जाएगा। प्राण का ब्रह्म रंध्र में पहुंचना क्या कहलाता है, राजयोग, राजयोग की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसमें सीक्वेंस क्या है, पहले अपान की गति को नियंत्रित करें आप, ठीक है, प्राण का सुषुम्ना में प्रवाहित तो प्रवेश हो जाएगा, उसके बाद आपका ब्रह्म रंध्र में पहुंच जाएगा, यही हमारा राजयोग कहलाता है। पहले आप नीचे से शुरू करेंगे, अपान की गति को रोकेंगे, फिर प्राण जो है हमारा सुषुम्ना में आ जाएगा, सुषुम्ना से हमारा ब्रह्म रंध्र तक पहुंच जाएगा। ब्रह्म रंध्र कहाँ होता है, हमारा कपाल में, जो यहाँ पे एग्जिट होता है वो ब्रह्म रंध्र होता है। तो प्राण हमारा ब्रह्म रंध्र में पहुंच गया तो क्या कहलाता है, राजयोग, राजयोग की प्राप्ति हो जाएगी। पहले हमारा मंत्र के बारे में क्या बताया, म के बारे में मन, त्र के बारे में प्राण, तो मन और प्राण का संयोग मंत्र योग कहलाता है। राजयोग में क्या है कि हम अपान की गति को नियंत्रित करें, फिर प्राण को सुषुम्ना में प्रवेश करें, फिर सुषुम्ना से कहाँ जाएगा, हमारा ब्रह्म रंध्र में आएगा। ब्रह्म रंध्र से क्या होता है, ये राजयोग की प्राप्ति होती है। तो मैंने दो योग बताए, तो बताएंगे मंत्र के बारे में, म शब्द का अर्थ है और त्र शब्द का अर्थ प्राण है, और जब प्राण और मनस का संयोग होता है या मिल जाते हैं तो उसे मंत्र योग कहते हैं। ठीक है, राजयोग के बारे में बताएंगे कोई और? मैम अपान की गति को रोकेंगे तो प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश होगा, तो हमारा प्राण ब्रह्म रंध्र में पहुंच जाएगा, तो वो राजयोग की प्राप्ति होगी। वेरी गुड, सीक्वेंस से याद करेंगे किसके बाद क्या हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही हमारा नेट का एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अब हठयोग के बारे में देख लेते हैं। हकार ठकार के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, तो हकार का अर्थ होता है सूर्य, ठकार का अर्थ होता है चंद्र। इड़ा पिंगला भी हमारे सूर्य चंद्र से संबंधित है, ये तो पता ही होगा आपको। तो इसमें भी क्या बोला गया है, सूर्य हमारा नीचे होता है, चंद्र ऊपर होता है, घेरण संहिता में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो सूर्य और चंद्र के संतुलन अर्थात संयोग से हठ योग की प्राप्ति होती है। हकार और ठकार का एक होना हमारा क्या कहलाता है, हठ योग कहलाता है। हकार और ठकार का, सूर्य और चंद्र का एक हो जाना, मतलब संतुलन, एक नहीं संतुलन, तो सूर्य और चंद्र का अगर संतुलन हो जाता है तो इससे क्या होता है, संतुलन से अर्थात संयोग से हठ योग की प्राप्ति होती है। हठ योग का मतलब हकार और ठकार का मिलन या संयोग या संतुलन। ठीक है,
सूर्य और चंद्र का संतुलन या संयोग हठ योग की प्राप्ति कहलाता है। ठीक है, मंत्र हो गया हमारा माँ और उत्तरा की संधि विच्छेद करी, राजयोग में हमने अपान से शुरू किया, हठ योग में हमारा सूर्य और चंद्र आ गया। इसके बाद होता है हमारा अनवरत अभ्यास से जवान बूढ़ो रोगग्रस्त एवं कमजोर सभी को योग के सभी स्वरूपों में सफलता प्राप्त होती है। अगर हम लगातार अनवरत मतलब लगातार अगर हम अभ्यास करते हैं इनका, तो चाहे वो जवान हो चाहे वो बूढ़ा हो, कोई रोगी हो या कोई बहुत कमजोर हो, उन सभी को क्या होगा, योग के सभी स्वरूपों में सफलता मिलती है अगर हम डेली अभ्यास करते हैं। अगर हमने एक दिन किया, दो दिन किया, तीन दिन किया, उसके बाद छोड़ दिया, हमें कोई सफलता नहीं मिलेगी, चाहे हम कितने ही हेल्दी क्यों ना हो, तीन दिन में कोई सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम डेली अभ्यास करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी, ये चीज इसमें बताया गया है। चाहे वो जवान हो, बूढ़ा हो, रोगग्रस्त हो या कमजोर हो, उसे अनवरत अभ्यास से सफलता मिलेगी। ठीक है, और सभी स्वरूपों में मिलेगी, ऐसा नहीं किसी एक अभ्यास में मिलेगी। ठीक है, अब क्या बोला, योग अभ्यास की आरंभ अवस्था में दूध आदि का सेवन करना उचित है, किंतु बाद में इस तरह के नियम की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम योग के आरंभ योग का अभ्यास कर रहे हैं तो इसमें शुरू में क्या बताया गया, आरंभ की अवस्था में दूध आदि का सेवन मतलब हार्ड चीजें खा सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन बाद में ऐसी कुछ चीज करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे हम कॉमन देखते हैं तो हम जब स्टार्ट करते हैं योग अभ्यास आसन को ही कर लेते हैं तो हमें थोड़ी वीकनेस लगती है और हमें बहुत ज्यादा भोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन ये केवल आरंभ अवस्था में करना है, ना कि हमें बाद में भी करना है। जब हम आगे पहुंच जाते हैं योग अभ्यास की एडवांस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो इन नियमों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। योग अभ्यास के आरंभ में ही अभ्यासी को कफ जन्य दोषों को दूर कर लेना चाहिए। अगर आपके कफ संबंधित कोई भी दोष है, कफ संबंधित कोई भी दोष है, उसे शुरुआत में ही दूर कर लो। शुद्ध क्रियाओं की अपेक्षा करने से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। अगर हम शुद्ध क्रियाओं को स्टार्ट ना करके शुद्ध क्रियाओं की अपेक्षा करें, उन्हें छोड़ दें, तो हमें क्या होते हैं, रोग उत्पन्न होंगे, अनेक रोग उत्पन्न होंगे। तो सिंपल बोला गया है, सबसे पहले क्या बोला है कि बोला गया है कि कोई भी कर सकता है, चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, रोगी हो, कमजोर हो, चार लोगों के बारे में बताया है, कोई भी हो, वो सब अगर अनवरत डेली योगाभ्यास करते हैं तो सफलता हर स्वरूप में मिलेगी। इसके बाद क्या होता है, खाने के बारे में बताया कि दूध आदि का जो आरंभ की अवस्था है, आप अभ्यास शुरू कर रहे हैं तो दूध आदि का सेवन कर सकते हैं, लेकिन बाद में जब आप सफलता मिलने लगे तो आप उन्हें छोड़ जरूरी नहीं है, छोड़ सकते हैं। इसके बाद क्या बोला गया, तीसरी चीज कि जो भी आपको कफ संबंधित जितने भी दोष हैं उनको दूर कर लें। ठीक है, शुद्धि क्रियाओं की अगर अपेक्षा करेंगे, कफ किससे दूर होगा हमारा, षटकर्म से, अष्ट क्रियाओं से, शुद्ध क्रियाओं से, तो इन सब चीजों से हमारा कफ दूर होगा। लेकिन आप उन्हीं की अपेक्षा कर रहे हैं, उन्हीं ही छोड़ दे रहे हैं, तो क्या होगा, कफ आपका साफ नहीं होगा और अनेक रोग उत्पन्न हो जाएंगे। ये सारी चीजें हमारे फैमिली में बताई गई हैं। हाँ जी, यहाँ उपेक्षा होना चाहिए क्या, अपेक्षा, हाँ उपेक्षा हो सकता है, वर्डिंग में गड़बड़ी हो सकती है। उपेक्षा, अपेक्षा मतलब कि हम छोड़ देते हैं अगर अष्ट क्रियाओं को, अवॉइड करना हो गया ना मैम, अवॉइड करना। तो क्या क्या बताया मैंने, पहले मंत्र योग बताया, फिर राजयोग, हठ योग, तीनों योग याद हो गए सभी को, हैंड रेज करेंगे किसको याद हुए हैं। ठीक है, रश्मि जी बताइए तीनों योग के बारे में। तो मैम पहले मंत्र योग पढ़ा, इसमें माँ का अर्थ होता है मनस और त्र का अर्थ होता है प्राण। तो जब मनस और प्राण का संयोग होता है तो उसे मंत्र योग कहते हैं। दूसरा है राजयोग। तो राजयोग में है कि इसमें अपान की गति को नियंत्रित करके प्राण को सुषुम्ना में प्रवेश करवाते हैं और जब यह प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाता है तो राजयोग की सिद्धि होती है। फिर है हठ योग। सो हठ योग में ह का अर्थ होता है सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्र, और इनका सूर्य और चंद्र का संतुलन या इनका जब संयोग होता है तो उसे हठ योग कहते हैं या उसे हठ योग की प्राप्ति होती है। ठीक है, वेरी गुड। अब बताएंगे जो मैंने तीन नियम बताए हैं योग अभ्यास से शुरू करने से पहले, कौन कौन से हैं, हैंड रेज करेंगे किस किस को याद है।
शालिनी जी बताइए। मैम, आरंभ अवस्था में दूध आदि का सेवन करना उचित है, लेकिन जब आप आगे की स्टेज में पहुंचते हैं तो इस नियम को आगे कंटिन्यू करने की आवश्यकता नहीं होती है। और योग अभ्यास के आरंभ में कफ जन्य जो रोग होते हैं उनको अष्ट क्रियाओं के द्वारा दूर कर लेना चाहिए, उनको अवॉइड नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। एक और चीज थी, अनेक रोग उत्पन्न नहीं होंगे। शुद्धि शुद्धि क्रियाओं की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। हाँ, बूढ़ा जवान रोगी कमजोर कोई भी इसको अगर अनवरत अभ्यास से करे तो हमें सफलता मिलती है। ठीक है, इतना आज के लिए काफी है। शुद्धि क्रियाएं हम कल करते हैं, यहाँ से हमारा 26 से शुद्धि क्रियाएं हो जाएगा, यस अष्टकर्म चक्री वगैरह। इतना आज आप याद कीजिए, कल मैं क्वेश्चन आंसर करूंगी तो बताइएगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, जितना अभी तक पढ़ा है हमने। जी रश्मि जी बताइए। अच्छा नहीं, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। पुष्पा सरकार, पुष्पा जी आपका कोई क्वेश्चन है? नो मैम। ठीक है, हैंड डाउन कर लीजिएगा सभी। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए एक बार मैं रिव्यू दे देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो हमने शुरुआत की थी कि ओम नमस्कार करते हैं श्रीनिवास जी और ग्रंथ को लिखना शुरू करते हैं। क्या बोला गया है? कंठ हार के, कंठ गले का हार। ठीक है, तब से मैं कड़वा बोल रही थी। कंठ हार के समान बताया गया है। तो श्रीनिवास जी किसके पुत्र हैं? सर्वर जी के। जो क्या है, सर्वर जी क्या है? महान ज्योतिषी हैं। इस किस चीज का ज्ञान है श्रीनिवास जी को? वेदों का, उपनिषदों का, पतंजलि कृत ग्रंथों का, व्याकरण का, प्रभाकरीय, न्याय रत्न, सरस्वतीय, सांख्यीय, वैशेषिक, तत्व चिंतामणि, इन ग्रंथों के वो ज्ञाता है। इसके बाद क्या बोला कि मत्स्येन्द्रनाथ और गोरक्षनाथ जी ने इस विद्या को जाना था, उसी विद्या को स्वात्मा राम जी और श्रीनिवास जी ने भी जाना है। शोर आ रहा है क्या बाहर से? ठीक नहीं मैम, ठीक है ठीक है, उतना दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जो योगीजन विभिन्न भ्रांतियों के शिकार हो गए हैं, राजयोग के मार्ग से अनभिज्ञ हो गए हैं, राजयोग की प्राप्ति के लिए यह हठ योग का उपदेश दिया जा रहा है। ठीक है, अब इसके आगे क्या पढ़ा हमने? किस चीज के लिए? जिज्ञासा के लिए। योग क्या है? अपान प्राण की एकता, जीवात्मा परमात्मा की एकता। ठीक है, कुछ लोग क्या बोलते हैं कि केवल योग के लिए है। फिर क्या है? महायोग है। महायोग क्या है? चित्त वृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए महायोग कहा गया है। इसके चार भाग हैं, मंत्र, लय, राज, हठ। सीक्वेंस याद रखेंगे, मंत्र, लय, राज, हठ। ठीक है, किससे क्या मिलता है? इनसे प्राणियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद है विभिन्न अंगों के लिए मंत्र। मंत्र के बारे में क्या बताया है कि मंत्र विभिन्न अंगों के लिए मंत्र निर्धारित करके मंत्रों का उच्चारण करें, इससे सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसके बाद लय योग है कि जब चित्त पूर्ण रूप से तल्लीन हो जाता है, संकेत द्वारा लय की प्राप्ति होती है। जब हमारा चित्त पूर्ण रूप से तल्लीन हो जाए तो हमें संकेत विधि के द्वारा लय योग की प्राप्ति करनी है। 1 करोड़ से ज्यादा अधिक विधियों का वर्णन किया गया है, लेकिन इसमें केवल संकेत विधि के बारे में बताया है। तो संकेत विधि क्या है? सिर को पीछे की ओर ले जाकर भ्रकुटी के मध्य एकाग्र करें, मृत्युंजय पर ध्यान करें। 3 चीजें बताई हैं। इसके बाद मृत्यु पर विजय प्राप्त होगी, ऐसा संकेत विधि का लाभ है। श्री आदिनाथ ने 1.25 करोड़ लय बताए हैं, 1.25 करोड़ विधियां बताई हैं, लय नहीं बताए हैं, विधियां बताई हैं। नादानुसंधान इसमें सबसे प्रभावशाली बताया गया है। और क्या बताया? लय योग के लक्षण कि इंद्रियों के लिए कोई विषय शेष नहीं रह जाता, इंद्रियां विषयों से विमुख हो जाती हैं, संसार में कोई वापसी नहीं होती और पूर्व अनुभवों को भूल जाता है। यह है लय योग के 4 लक्षण बताए गए हैं। फिर राजयोग के बारे में कि आंखों के लिए कोई लक्ष्य नहीं रह गया, इंद्रियां अपने विषयों से विमुख हो गई, वायु रोध हो गया है, ना तो कोई वायु रोध है और ना ही चित्त देश काल से बंधा है। धारणा और ध्यान के अभ्यास के लिए कोई प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है, अर्थात हमें समाधि की प्राप्ति हो गई है, राजयोग के समान जो कहलाती है। फिर
इसके बाद अब चित्त की जो अवस्था है वह ना तो जागृत है ना ही सुसुप्त है, ना ही मृत है ना ही जीवित है, ना तो वह जागी हुई है ना सुसुप्त अवस्था में है, ना ही मरा हुआ है ना ही जीवित है। तो राजयोग के कारण चित्त स्थिर हो जाता है और अहंकार की भावना नष्ट हो जाती है। ठीक है, राजयोग से ये चीजें बताई गई हैं। अब राजयोग के बिना आसन आसन ठीक है, तो राजयोग उद्देश्य के बिना ठीक है तो राजयोग उद्देश्य के बिना आसन प्राणायाम मुद्रा का भी कोई प्रभाव नहीं रह जाता है। अगर आप राजयोग के उद्देश्य नहीं तो कोई प्रभाव नहीं। राजयोग की प्राप्ति के लिए हमें तीनों का अभ्यास करना जरूरी है। इसके बाद है कि हठ योग के बारे में कि इसमें 10 मुद्राएं, 8 कुंभक, 8 शुद्धि क्रिया और 84 आसन करने हैं। ये हठ योग के अंग बताए गए हैं। फिर ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। हठयोग और राजयोग एक दूसरे पर निर्भर है। ना तो हठयोग के बिना राजयोग नहीं मिल सकता, राजयोग के बिना हठयोग नहीं मिल सकता। ठीक है, फिर है मंत्रयोग के बारे में कि मन और त्र, वो म और त्र मन और प्राण के बारे में बोला है, अर्थ बताया गया है। मन और प्राण का मिलना ही मंत्रयोग है। टाइम हो गया है, वो ज्यादा 5 मिनट है केवल, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है। अपान की गति को नियंत्रित करने से प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश होना, यह है हमारा क्या है राजयोग के बारे में बताया कि पहले अपान की गति को नियंत्रित करें, प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश करें, फिर प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाएगा, तो यह राजयोग कहलाएगा। हठयोग के बारे में बताया कि हकार बराबर सूर्य, ठकार बराबर चंद्र, तो सूर्य और चंद्र के संतुलन को ही अर्थात इसके संयोग से ही हठयोग की प्राप्ति होती है। अब क्या है कि हठयोग से पहले क्या बताया गया, इसके बारे में बोला है कि चाहे वो जवान हो, बूढ़ा हो, रोगग्रस्त हो, कमजोर हो, उन सभी को सफलता मिलेगी, सभी स्वरूपों की सफलता मिलेगी अगर हम उसका अनवरत अभ्यास करें, डेली अभ्यास करें। फिर क्या है, योग अभ्यास की अवस्था, ठीक है, शुरुआत में हम दूध का सेवन कर सकते हैं आरंभ अवस्था में, लेकिन कुछ समय बाद हमें ये आवश्यक नहीं है कि हम हैवी भोजन करें। इसके बाद है कि हमें योग अभ्यास को अभ्यासी को कफ जन्य दोषों को शुरुआत में ही दूर कर लेना है। शुद्ध क्रियाओं की अपेक्षा करने से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। कल हम पढ़ेंगे अष्ट चक्र अष्ट शुद्ध क्रियाओं के बारे में। ठीक है, क्लियर है अभी तक इतना सभी को बताएंगे? जी जी ठीक है। कौन सर आ गए हैं क्या क्लास में पढ़ाने के लिए? नहीं इसी क्लास में ज्वाइन होंगे कि अलग से फिर स्टार्ट होगा, कैसे होता है डेली? ठीक है, तो वो आ जाएंगे। तब तक क्वेश्चन आंसर, कोई किसी का कोई डाउट है? ठीक है, मैं क्वेश्चन आंसर हट रत्नावली के हिसाब से योग की डेफिनेशन फिर क्या होगी? महायोगी बोला है योग को, और चित्तवृत्ति निरोधी इसकी डेफिनेशन है। हाँ, जो मैंने बताई है ना डेफिनेशन, ये वाली अपान को मिलाना भी शायद था, प्राण और अपान जीवात्मा परमात्मा का संयोग। ये तो इसमें लिखा है कि कुछ विद्वानों का मत है कि यह योग्य विद्या ऐसी 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 है, पर हट रत्नावली के हिसाब से चित्त वृत्ति निरोध वस्तु महायोग ये बोलेंगे? नहीं, इसके अकॉर्डिंग ये वाली परिभाषा भी रहेगी, क्योंकि हमारे ग्रंथ में बताई गई है अपान और प्राण वाली भी रहेगी, और बाकी हम ये वाला बोल सकते हैं महायोग के बारे में। ये तो महायोग के बारे में चित्त वृत्तियों को नियंत्रित करने को, ठीक है, डेफिनेशन ये वाली रहेगी। तो मैं क्वेश्चन आंसर करूं आपसे जब तक सर आते हैं, कि शांति पाठ कर लेते हैं? चलो फिर आपका वो हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। सभी कमर गर्दन सीधी करें।
आंखें बंद, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। सभी हाथों